अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, मजे में। भाई सबसे पहले तो ब्लॉग स्टार्ट होते के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का दिन, मतलब मैं डेट भी देख लेता हूं, आज का दिन जो है ना मेरी जिंदगी का बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी के जो भी बड़े बड़े स्टेप लिए ना, आज सबसे बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूं। आप लोग दुआ कीजिएगा अपने भाई के लिए कि बस अल्लाह पाक सब खैर का मामला करे। अभी वो सही टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन इंशाल्लाह वंस सारी चीजें जब हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा इंशाल्लाह। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई, गाड़ी शाड़ी बंद करते हैं क्योंकि मौसम तो आप लोगों को पता है वीआईपी हो रहा है। तो बहन ने जो है ना बोला कि मुझे बेकरी से कुछ आइटम लेने, बेकरी आइटम बिस्किट्स वगैरह पेटिस वगैरह, और घर पे इन लोगों ने जो है ना चाय शाय के साथ एंजॉय करना है। तो बस बहन को जो है ये सामान दिला के फिर घर पे ड्रॉप करते हैं और फिर कुछ सीन स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी की देखें क्या हालत हो गई है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो ये कौन सा केक लिया बहन ने? चॉकलेट पाउंड केक। वाह भाई वाह। और ये देखें चाय के साथ खाने के लिए जनत ने सारे बिस्किट्स। ये देख लें भाई, ज्यादा बारिश होती है ना तो फिर ज्यादा पानी भी आ जाता है। अब आपका भाई एक जगह इंतजार कर रहा है। मुझे पहले लगा कि बहन ने सिर्फ बिस्किट लेने फिर घर चले जाना है, लेकिन रास्ते में टेलर की दुकान भी आती है यार, तो फंस गए हम। कल रात को जो है ना घर पे मैं अपना ड्रॉर साफ कर रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर से ये यूएसबी निकली। इसका पता है क्या कमाल है, देखे मैंने बोला यार इसको ले जाते हैं गाड़ी में लगा ही देते ना। ये देखे वाह जबरदस्त लाइट जलती है, अलग ही शशके हैं भाई। मौसम को देख के ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। हाँ भाई गार्मिन क्या बता रही है? बता रही है हाँ भाई चांस है। रोड ट्रिप पे जब मैं था तो मैंने आप लोगों को जो है ना, जहां पे मैं शावर लेने के लिए रुका था वहां जो है ना, मैंने आप लोगों को एक गाड़ी दिखाई थी व्हाइट कलर की, बड़ी हाइब्रिड गाड़ी थी, बड़ी फैमिली उसके अंदर आराम से मजे से बैठ के रोड ट्रिप एंजॉय कर सकती है कम खर्चे के अंदर, कम फ्यूल के अंदर। तो मैंने जीशान भाई को बोला था कि यार कोई ऐसी गाड़ी निकाले, हो सकता है आपका भाई चेंज कर ले। तो जीशान भाई की अभी मुझे कॉल आई है, बोला मुस्तफा भाई जल्दी आ जाओ, एक गाड़ी आई है देख लो, अगर पसंद आती है तो कर लो सेटिंग। क्योंकि ये हाथी मेरा साथी तो है और ये बहुत मुश्किल मुश्किल खतरनाक रास्तों से हमको गुजार भी देता है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जो है ना इसका पेट नहीं भरता यार। इस हाथी का पेट जो है ना भरने का बहुत खर्चा है, तो वक्त के साथ साथ हमें फ्यूल एफिशिएंट या हाइब्रिड गाड़ी की तरफ जाना तो पड़ेगा ही। देखे यार ये भी अपना अनाज जो है ना यहाँ से तलाश कर रही है। देखे अल्लाह पाक ने सबका जो है ना इंतजाम कैसे किया हुआ है। आप ये देखे यार, हम सोच भी नहीं सकते कि इन पत्तों में से कुछ निकलता होगा, लेकिन देखे कितनी अल्लाह की मखलूक है जो इसमें से भी अपना खाना निकाल लेती है। इस कोयल को देख के जो है ना ये सब मैंने सोचा, देखे मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, कि देखे यार क्या अल्लाह पाक का निजाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे मैंने जो है ना रोड ट्रिप पे ये वाली गाड़ी देखी थी, ये व्हाइट वाली है ना। देखिए जिस तरह घड़ी के अंदर अलग अलग वॉच फेस होते हैं ना, इस तरह मेरी गाड़ी का भी ये वॉच फेस है, ये देख रहे हैं ना। हाँ ये वॉच फेस लगाया हुआ मैंने, गंदी नहीं हो रही गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज भी पढ़ ली और अब जो है ना आपको गाड़ी में बिठाते हैं। अरे ये कौन सी गाड़ी मंगाई मेरे लिए यार? अरे ये तो प्राडो है। नहीं भाई इसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अब आपका भाई आपको वो गाड़ी दिखाने जा रहा है जो काफी टाइम से आपके भाई के राडार में थी। मतलब मैं वेट कर रहा था कि कब आपका भाई जो है ना वो गाड़ी चलाएगा। ठीक है ये देखें भाई, ओए होए 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 होए, ये वही गाड़ी है जो मैंने रोड ट्रिप पे देखी थी, निसान की सरीना। ये फ्रंट देख लें भाई आप पहले तो इसका, सही है ना। इसको देख के मुझे जो है ना मेरी सिएंटा की याद आ रही है, लेकिन ये सिएंटा से जो है ना साइज में बड़ी गाड़ी है, सही है। ये देखें नेक्स्ट लेवल की गाड़ी लग रही है, सही है। और शशके आप देखें, ये देखें सिर्फ आपने बटन दबाना है, इतनी फरमा बरदार गाड़ी है कि बस क्या बताएं। आह एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन सीटर गाड़ी है, ठीक है। अब जापानी गाड़ियों के शशके आप देखें, ये देखें आप जो है ना इसको सीट को आप आराम से आगे करें, ये देखें पीछे किसी को लेटना, आराम से पाँव लंबे करके लेट जाए, सही है। इसके बाद आप इसको पीछे करें, ये देखें फिर आप इसको जो है ना लिटा भी सकते हैं सीट को, ये देखें ऐसे लिटा दिया, सही है। बहुत ज़बरदस्त कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं यार ये। चलो बेटा शाबाश बंद हो जाओ, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। अरे हाय 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 मज़ेदार गाड़ी लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि आपका भाई जो है ना पैसेंजर बिठा के जो है ना लेके जा रहा है रोड ट्रिप पे। और इसकी जो विंड स्क्रीन है ना ये बहुत ऊपर तक गई हुई है, मतलब इसके अंदर जो व्यू आपको नज़र आएगा ना सामने का बहुत ही आला होगा। आपका भाई माशाल्लाह लंबा है ना, थोड़ी सी सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ। और इसकी देखें ये जो की है ये भी बिल्कुल नोट की तरह है, जो जीशान भाई के पास है ना निसान की नोट, बिल्कुल सेम है। इसको आपका भाई रखता है यहाँ साइड में, ठीक है जी। और पुश स्टार्ट किधर है इसका? ये रहा, आह आवाज़ ही नहीं। ये देखें भाई ये गाड़ी घूमते हुए आ गई है सामने, डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही स्पेशियस है, ठीक है जी। आप देखें लैग स्पेस बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस है रखने की, सामान शामान यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और यहाँ देखें कितनी अच्छी खासी जगह है। इसके बाद फिर आप देखें यहाँ से बीच में से जो है ना बच्चे इजीली आपके साथ ट्रिप पे बैठे हुए हों तो यहाँ से आगे पीछे हो सकते हैं।
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, ये क्या है भाई, ये डी पे चला गया। आह हा हा हा, स्टीयरिंग नहीं मलाई है मलाई। और ये देखें भाई, आपका हाथ थक ना जाए इसलिए आर्म रेस्ट भी है। ये देख रहे हैं, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये पार्किंग सेंसर्स की है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत करीब करीब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलें जी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ज़ीशान भाई, आप पहले इस गाड़ी में बैठ चुके हैं या नहीं? फर्स्ट टाइम बैठे हैं? फर्स्ट टाइम बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है सीन? मतलब रोड ट्रिप वाला सीन लग रहा है ना? बिल्कुल यार, ये अपने मतलब की गाड़ी है ये ज़ीशान भाई आपके पास। यार ज़ीशान भाई ये बताएं, ये ब्लू कलर का बटन है, पायलट लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या सीन है यार? ये लेन असिस्ट है, बेसिकली लेन में चल रही होती है ना गाड़ी, तो उसी लेन में चलती रहती है। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ी सी आउट होगी तो दोबारा सेट कर देगी। अच्छा अच्छा, अमेरिका में मैंने आप लोगों को एक गाड़ी में दिखाया था जो मैं ड्राइव कर रहा था, उसमें भी यही सीन था। तो ज़ीशान भाई यहाँ तो लेन ही नहीं बनी हुई रोड के ऊपर, क्या होगा फिर? बैरिया जाना पड़ेगा फिर इसके लिए तो, है ना? हाँ, ये फीचर चेक करने के लिए बैरिया जाना पड़ेगा। आप देखें ना, लेन ही नहीं बनी हुई, कैसे ये असिस्ट करेगी भाई? इसके अंदर ड्राइव मोड भी है, देखें ये कौन सा आ गया, ये स्पोर्ट्स है, ये इको है और ये सादा है। शशके देखें आप सिर्फ गाड़ी के, देखें ये 360 व्यू भी नज़र आ रहा है आपको, ये पीछे का कैमरा भी नज़र आ रहा था लेकिन अभी कुछ और ही चिंग चौंग नज़र आने लगा है। अब सामने खुला रोड है, स्पोर्ट्स मोड आपके भाई ने लगा दिया और अब जो है ना मैं रेस दबाने वाला हूँ। सही है ना? ये देखें, ओए होए होए, देखें चेक करें, मतलब भागने में तो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। ठीक है, अच्छी स्पीड पकड़ी है इसने, खींच दिया आपके भाई ने, मतलब मोटर पे मज़े कराएगी। और ये देखें साइड का भी कैमरा दिखा रही है भाई, साइड का भी देख रहे हैं। ये देखें, मैंने स्टीयरिंग टर्न किया, मतलब पार्किंग करते वक्त बहुत आसानी है। यार असल चीज़ तो मैं पूछना ही भूल गया ज़ीशान भाई, ये गाड़ी कितने की है ये तो बताएं। 65 लाख की है, मतलब यार देखा जाए तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मुनासिब कीमत में है ना, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है यार ये। और ज़ीशान भाई ये कितने सीसी गाड़ी है ये? 1200 सीसी है। अच्छा इंजन इसके अंदर वही नोट वाला है? अच्छा देखें, अब आप जैसे किसी गाड़ी के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे ना, ये खुद ही 360 ऑन कर देगी। ये देखो बेटा, बच के निकालो। ये देखें भाई, यहाँ तो फुल शशके वाली लाइटें शाइटें भी लगी हुई हैं। अच्छा अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर जो है ना पीछे भी एसी दिए हुए हैं। सही है ना? ये देखें, यहाँ पे भी एसी है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। मतलब सिएंटा में ये था कि आगे ही एसी था, पीछे मतलब ड्यूल एसी नहीं था, जिसकी वजह से पीछे थोड़ी बहुत गर्मी फील होती थी, लेकिन इसके अंदर ये टेंशन नहीं होगी। और देखें पीछे का एसी जो है ना, यहाँ से कंट्रोल भी हो सकता है। पीछे वाली सीट पर बैठ के देखते हैं ज़रा कि कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है ना? ओए हाय 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 हाय, मतलब आप लेवल चेक करें। और ये देखें पांव लंबे कर दिए। सही है ना? आराम से पांव लंबे कर दिए आपने। ये सीट अगर पीछे भी हो जाए ना तो भी आराम से आप पांव लंबे कर सकते हो। ठीक है, वाह, मतलब जो है ना खूबसूरत पहाड़ों में आप जो है ना अच्छे अच्छे नज़ारे इंजॉय कर रहे हो और यहाँ बैठे हुए हो आप, और यहाँ पर आप जो पानी शानी जूस वूस आपको रखना हो यहाँ पर आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, मोबाइल चार्ज करना हो तो यहाँ पर USB भी दी हुई है। वाह, मतलब 7 बंदे जो है ना इस गाड़ी के अंदर आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, और पीछे आप जो है ना अपना जो भी आपका लगेज है सामान है वो सारा आप यहाँ रख सकते हो। तो बताएं यार फिर क्या करना चाहिए, मशवरा दें आप लोग यार, क्योंकि रेवो से भी एक अलग मोहब्बत है यार। उसको भी बेचने के बारे में जब भी सोचते हैं ना, पता नहीं क्यों दिल जो है ना बोलता है नहीं यार रुक जा अभी मत बेच। लेकिन ये गाड़ी के भी एक अलग ही शशके हैं यार। अगर ये गाड़ी मैंने अपने घर वालों को दिखा दी ना, अब्बू को दिखा दी ना, यकीन करें अब्बू बोलेंगे पहली फुर्सत में रेवो को निकाल दे, क्योंकि उसमें तो हम 4 बंदे भी जो है ना घुस घुस के बैठते हैं ज़बरदस्ती। अब देखें ये पीछे स्पेस है यार, 3-4-5 बैग आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। और ये क्या है भाई? वाह भाई वाह, ये अलग हिस्सा बना है पूरा सामान रखने का। अरे यार इसकी क्या ज़रूरत थी ज़ीशान भाई, हेलीकॉप्टर का रिव्यू अभी नहीं दूंगा यार, बाद में दूंगा यार। अब्बू को मैं बताऊं इस गाड़ी के बारे में या ना बताऊं, लेकिन अब्बू ने तो व्लॉग देख लेना है, और अब्बू मुझे लाजमी बोलेंगे कि मुस्तफ़ा यार रहो वो बेच दे यार ये गाड़ी ले ले, देखते हैं क्या होता है। अब से 5 मिनट पहले मैं एक गाड़ी चला रहा था और मुझे वो बहुत पसंद आई, और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इस गाड़ी के ऊपर मूव कर जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी रिवो निकालता हूं और साथ में जाना खुद को बिठा लेता हूं इसमें, तो मुझे वापस से ये पसंद आ जाती है यार। पता नहीं क्या इस गाड़ी से कुछ बहुत ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है मुझे, लेकिन मैं इस गाड़ी के बारे में सोचूंगा जरूर। सही है ना कहीं आपके भाई के दिल पे लगी है वो गाड़ी। ठीक है, और आप लोगों ने भी जरूर बताना है। अब जो है हम अपने जरूरी बहुत अहम इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल गए हैं, और अब्बू जी को मैंने ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह से दुआ है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं अब्बू जी, आप भी दुआ कीजिएगा खैरियत से हो जाए अच्छे से इंशाल्लाह। अब्बू जी ये बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है? देखें कैसी लग रही है गाड़ी? तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? आप आपसे अगर मैं पूछूं कि रेवो अच्छी है ये अच्छी, तो आप कौन सी जो है ना गाड़ी को बोलेंगे वोट देंगे?
चाइना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चाइना जापानी गाड़ी है बुजी। तो जाहिर है कि ये दूंगा क्योंकि इसमें हमारे को सहूलत हासिल हो जाएगी। हाँ, मतलब पूरी फैमिली आराम से बैठ जाएगी, है ना। मैंने आप लोगों को उसी वक्त बोल दिया था कि अगर मैंने अब्बू से पूछा ना, अब्बू बोलेंगे कि भाई रेवो अच्छी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी लो ताकि फैमिली के लिए आसानी हो। ये रेवो इतना डीजल खाती है और सारे हम लोग पूरी फैमिली इसमें सहूलत से बैठ भी नहीं सकते। हाँ, ये तो बात सही है अब्बू की। भाई अब जो है ना, रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं अभी फारिग में, मतलब घंटों लग गए उस इम्पोर्टेंट काम के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी काम हो गया, अल्लाह का करम हो गया, काम हो गया, और इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे बाद में। अभी हालत टाइट हुई है, अभी असल में हालत जो है ना भूख से टाइट हुई है, भूख से। पूरे दिन का थका हारा मैं घर जा ही रहा था कि इतने में एक मैसेज आ गया मेरे पास, और अब मैं घर नहीं जा सकता। अब वो चले गए घर पे, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। मैसेज सुनाता हूँ आपको, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब से कोई आया अभी पॉप्सिकल वन पे ना, तो आप देख लें, आ जाएं जल्दी। यूट्यूब से कौन आता है यार यहाँ पे रात के टाइम पे, मतलब वीआईपी पॉप्सिकल पे, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। शॉप के पास आपका भाई पहुंच गया, लेकिन बाहर काफी सारी फैमिलीज खड़ी हुई, तो मैं कैमरा बंद रखता हूं। जब फैमिलीज चली जाएंगी फिर फरहान भाई का सीन दिखाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। व्लॉग चल रहे हैं? हाँ जी, आपको ले लूं व्लॉग के अंदर? चलें भाई, ये इनको भी ले लिया हमने, क्या याद करेंगे ये। और ये हमारे सब्सक्राइबर आए हुए, इन्होंने भी व्लॉग में आना था। ठीक है भाई, चलो भाई व्लॉग का बिल बनाओ उनका। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फरहान भाई, आप क्या बोल रहे हैं? यूट्यूब वाले आए हुए यार, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अच्छा खासा मैं घर जा रहा था यार। नहीं मुझे मेरे से गलती हो गई, यूट्यूब वाले नहीं आए थे, उन्होंने आपके लिए कुछ वीआईपी सेटअप भेजा। क्या बात कर रहे हो जी सर? वीआईपी सेटअप, वीआईपी सेटअप क्या है ना, भी बता दे मुझे यार। नहीं नहीं, ये कल दोपहर में पता चलेगा, अभी बंद करने का टाइम है सर। यार ऐसा नहीं करो, मतलब यार मैं घर जा रहा था, पूरे दिन का थका हुआ था, मैं वापस आया हूँ यहाँ पे, आपके मैसेज सुन के सुबह दुकान पे बैठे हैं, अभी हमारा भी घर जाने का टाइम हो गया यार। ये तो यार अजीब सीन हो गया यार, कब देंगे मुझे यार? कल आऊं दोबारा से, 12 बजे हमारी शॉप ओपन हो जाती है। तो मैं कस्टमर थोड़ी हूँ यार, आप 12 बजे के बाद ही, 12 बजे के बाद आओ। देखे यार, ये मेरे साथ सीन हो रहा है यार। यार अब मैं क्या करूँ यार? फरहान भाई, अगर मैं आपके लिए कुछ लेके आ जाऊँ अभी वीआईपी सेटअप आपका करा दूँ, तो क्या आप मेरा वीआईपी सेटअप कराएंगे? पसंद आ गया तो मैं अभी आपका वीआईपी सेटअप कराऊंगा। पक्की बात है? पक्की बात। चले मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। ये चेक करें भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का सीन। हमने बोला यार फरहान भाई को करा के देते हैं यार। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए यार। इत्तेफाक की बात है कि आप लोग भी चार हैं, सही है, और गार्ड भाई को मिला के सही है, और चीजें भी चार हैं। आ जाए, चले भाई, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। भाई जान आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, अहमद भाई आप भी बिस्मिल्लाह करें, आ जाए, आ जाए। आप आराम से खाएं, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। टेंशन नहीं है, आपका भाई भी पता है ना, कमांडो है। अरे भाई यहाँ पे हमारे और सब्सक्राइबर्स आ गए। भाई आप लोग कहाँ से आएंगे बताएं? रोड ट्रिप करके आ रहे हैं? कहाँ से रोड ट्रिप करके आ रहे हैं आप? पिंडी से आए आप लोग, माशाल्लाह भाई, रोड ट्रिप चल रहा है, मजे चल रहे हैं इनके। और आ गए भाई हमारे सब्सक्राइबर, सबकी एक ही ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है भाई? व्लॉग में ले लें बस। भाई सारे कस्टमर चले गए, दुकान बंद करने का टाइम हो गया, 1 बजे, आप तो दे दें यार। ये मैं आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब वालों ने कहा है कि इसको बीटीएस पे ही आप दिखाइएगा। बीटीएस चैनल पे? जी सर। मतलब इस चैनल पे नहीं दिखा सकता? आपके चैनल पे नहीं दिखेगा, ये बीटीएस पे दिखेगा। यार ऐसा क्या है इसके अंदर? चले दे देना, दे देना, मैं दिखाऊंगा बीटीएस पे यार। भाई लगता है कुछ खतरनाक है। ये ब्लू थैली भी यूट्यूब वालों ने दी है, ये आपने डाली है? ये मैंने डाली। अच्छा, मैं यही बोलूंगा यूट्यूब वाले ब्लू कलर की शॉपिंग बैग के अंदर थोड़ी डालेंगे। चले भाई इसके अंदर जो भी है ना, कुछ वीआईपी सेटअप है, तैयार हो जाए, बीटीएस पे ब्लॉग आएगा। चले जी, अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, शटर गिराने का टाइम हो गया, रात का 1 बज गया, लेकिन यहाँ पे भी आपके भाई का दिन खत्म नहीं हुआ। 1 बजे ये दुकान बंद करके जा रहा हूँ मैं हैदरी वाले आउटलेट पे, और वहां पे तकरीबन 2-2.5 बजे तक मैं, और आज तो मेरे साथ फरहान भाई भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी होंगे। तो अब वहां पे चलते हैं, लेकिन ब्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।